दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तुम लोगों का बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब पहला तो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ का डेफिनेशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ को बेसिक लॉ क्यों बोला जाता है, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह होता है। लेकिन हम लोग जहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग तुम कह सकते हो कि न्यूटन्स लॉ का ग्रामर सीखेंगे, दैट मीन्स हाउ यू रिप्रेजेंट फोर्स, हाउ यू रिप्रेजेंट, हाउ यू फाइंड आउट एक्सीलरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स, इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, फिर फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इक्वेशन कैसे लिखोगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा पहला काम है, हम लोग ये सब चीज को करेंगे, क्लियर एवरीवन। और मैं इसका जो न्यूमेरिकल है वो मैं आज ही या कल दे दूंगा, सो यू कैन स्टार्ट ऑल्सो सॉल्विंग दिम, क्लियर। और नंबर भी बता दूंगा मैं फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, शुरू कर रहे हैं भगवान जी का नाम लेके, लेके हरि का नाम। एक सरफेस है, पहले हम लोग जो भी पढ़ेंगे दैट इज विदाउट फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग फ्रिक्शन सीखेंगे, फिर जो भी पढ़ेंगे विद फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो पहले विदाउट फ्रिक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। वी हैव टू ब्लॉक 5 kg एंड 3 kg, ओके। और ये दोनों ब्लॉक को हम लोगों ने कांटेक्ट में रखा है और यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया। माय अप्लाइड फोर्स इज 16 न्यूटन, ओके। एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स, व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 5 kg एंड 3 kg सरफेस। मतलब ये जो दो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो हम लोग एक फोर्स से रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एफ ले लिया है, तो हम लोगों ने मान लिया लेट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस F1, क्लियर। लेट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस F1, यस सर। ओके, सो देखो पहला क्वेश्चन बता देते हैं तो इट विल हेल्प यू। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू फॉलो सम स्टेप। सो स्टेप वन इज वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। सो हाउ वी फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, दैट्स व्हाई इट्स अ न्यूटन्स फोर्स इज इक्वल टू एमए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये न्यूटन ने दिया था एंड वी नो इट फ्रॉम द सेकेंड लॉ। वो सब हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तुम लोगों को ऐसे पता है कि फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट, यस और नो? यस सर। सो 16 न्यूटन दैट इज 5 + 3 इनटू एक्सीलरेशन, क्लियर। वर्षाली, सोम्यदीप, তোরাও কিন্তু রিপ্লাই করিস, হ্যাঁ কোহলি, আচ্ছা কোহলি অলসো নট প্রেজেন্ট না, ইজ ইট ওকে এভরিওয়ান? সো উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাসিলারেশন, we can find out the acceleration that is 16 by 8 that is 2 meter per second, clear? Yes. Now from that we can say ki both the block moving with the acceleration 2 meter per second square, yes or no? Yes sir. Ab dekho, ab yahan se tumhara shuru hota hai step 2। क्या है स्टेप 2 में, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि इंडिविजुअली हमें ब्लॉक का ड्रॉ करना पड़ेगा और उसमें
टोटल कितना सारा फोर्स लग रहा है, किस किस डायरेक्शन में लग रहा है और किसके कारण ये मूव कर रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम क्लियरली. सो इफ आई राइट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 kg ब्लॉक ड्रॉ करेंगे. क्लियर? यस सर. एंड 5g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड, लेट इट बी R1. फोर्स इज एक्टिंग दिस डायरेक्शन, दैट इज सर 5 kg होगा ना वो एक्टिंग. 5 kg, 5g, जी माने ग्रेविटी. ओके सर. 16 न्यूटन एक्टिंग दिस डायरेक्शन, यस और नो? यस सर. तो देखो सबसे पहला बात है, ये हमें जरूरत नहीं है फिर भी लिखना, लिखने से अच्छा है कि R1 equals to 5G, ना ब्लॉक ऊपर गया ना ब्लॉक नीचे गया, सो दे बैलेंस ईच अदर. यस. और एक बात है, जब भी हम लोग इक्वेशन वगैरह लिखेंगे हम लोग एक लाइन बराबर लिखेंगे. देखो जैसे ये एक वर्टिकल लाइन पे ले लिए और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का अलग कैलकुलेशन करेंगे, वर्टिकल का अलग करेंगे, दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे. क्लियर? यस सर. ओके सर. तो देखो अगर मेरा 16 न्यूटन फोर्स 5 kg ब्लॉक में लगता, तो 16 न्यूटन बाय 5 kg, द ब्लॉक मूविंग विथ 3.2 मीटर पर सेकेंड. ये सब नो? ये तो एक्सीलरेशन हुआ ना. एक्सीलरेशन 3.2 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड जाता. यस सर. लेकिन ये कितना से आगे जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर से आगे जा रहा है. इसका मतलब ये जितना एक्सीलरेशन से आगे जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है, क्योंकि 3 kg इसको रोक रहा है. यस सर. यस. तो 3 kg कैसे रोक रहा है? बाय यूजिंग द कांटेक्ट फोर्स. तो 3 kg यहाँ पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, F1. ये सब ना? यस. नाउ इट इज वेरी क्लियर, 16 न्यूटन एंड F1, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. Yes, sir. And 5 kg block moving forward, that means 16 Newton is greater than F1. Yes. Everyone, is it okay? Sir, you like to repeat again? अरे 16 Newton जो है F1 से ज्यादा है तभी तो आगे बढ़ रहा है. हाँ sir. है ना? तो ये वाला मेरा फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स से बड़ा है तभी ना एसिलरेशन फॉरवर्ड है. जिधर एसिलरेशन है उधर का फोर्स ज्यादा है. ठीक है? यस सर. और देखो ये दोनों एक ही लाइन पे है, हम लोग एक ही लाइन में बार बार फोर्स लगाएंगे. तो 16 माइनस F1, दोनों का डिफरेंस क्या है? ब्लॉक का मास इनटू एसिलरेशन. और दोनों को डिफरेंस क्यों लिया? डिफरेंस के कारण ये आगे बढ़ेगा ना, दोनों इक्वल होता तो जीरो हो जाता है. ये सुन लो. यस सर. अक्षम, इज इट ओके? यस सर. 16 न्यूटन इज ग्रेटर देन F1, तभी तो ये आगे बढ़ रहा है ना. टागाफोर याद है? दोनों तरफ से रस्सी खींचता है, जिसका फोर्स ज्यादा है उधर रस्सी भागता है. ये सुन लो. यस सर. अगर दोनों तरफ सेम है तो वो बीच में ही रहेगा. So 16 न्यूटन इज ग्रेटर देन F1, दैट्स व्हाई इट मूविंग फॉरवर्ड. इधर तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है मतलब इधर वाला फोर्स ज्यादा है. तो 16 माइनस F1, 5 इंटू 2, सो F1 इज 16 माइनस 10, दैट इज 6 न्यूटन. क्लियर? क्लियर? यस सर. सिमिलरली अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg ब्लॉक का ड्रॉ करे, तो देखो ये है 2 kg, इधर लगेगा 2g, ऊपर की तरफ लगेगा R2, ये सामने की तरफ जा रहा है 2 m/s² से, लेकिन तुमने फोर्स किस पे लगाया था? 5 kg पे. यस सर. 2 kg पे तो फोर्स नहीं लगाया था. नो सर. तो 2 kg क्यों मूव कर रहा है? इसका कारण है कि इसका कारण है न्यूटन पर लॉ. जैसे 3 kg ने F1 फोर्स
फाइव के जी पे लगाया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जब भी कोई कॉन्टैक्ट सर्फेस पे फोर्स लगता है दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट. तो अगर सॉरी थ्री के जी नॉट टू के जी, माई मिस्टेक. तो 3 केजी ने 5 केजी पे F1 फोर्स लगाया, तो 5 केजी भी रिटर्न फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 केजी पे लगाएगा. यस सर. इज इट क्लियर एवरीवन? यस. सोमोदेव, इज इट क्लियर? सर एक बार स्टेप 2 को एकदम स्टार्टिंग वाला पार्ट एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में वापस. कौन वाला सर? ये वाला सर, ये आप 16/5 इक्वल्स टू 3.2 मीटर पर सेकंड वाला पार्ट निकाला था ना? नहीं, ये तो मैंने नहीं निकाला. मैं बोला कि अगर 5 केजी पे सिर्फ 60 न्यूटन फोर्स लगता तो ये 3.2 से जाता. हां सर, लेकिन ये 3.2 से नहीं जा रहा, ये 2 से जा रहा है क्योंकि दोनों एक साथ है. यस सर. तो मतलब इसको कोई रोक रहा है, ज्यादा होना चाहिए था कम है, तो कोई रोक रहा है ना? हां सर. कौन रोक रहा है? 3 केजी रोक रहा है. 3 केजी ब्लॉक. यस सर. है ना? तो 3 केजी क्या कर रहा है? कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट मतलब दो सरफेस के बीच में लग रहा है. तो 3 केजी जो है F1 5 केजी पे लगा रहा है. ठीक है? यस सर. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कांटेक्ट फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट. तो 5 केजी भी 3 केजी पे लगाएगा. हां सर. देखो इसका और इसका डायरेक्शन एकदम अपोजिट है ना? Yes. तो अगर मुझे कोई बोले कि मैं तो फोर्स 5 केजी पे लगा रहा हूँ, 3 केजी क्यों मूव कर रहा है? इसका कारण है 3 केजी एक ऑपोजिशन फोर्स 5 केजी पे लगाया, इसका उल्टा एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स 5 केजी 2 केजी पे लगाया, 3 केजी पे लगाया, इसके कारण 3 केजी ब्लॉक मूव किया विद द एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये सुन लो, यही फोर्स के कारण ये मूव किया ना? यस सर. तो देखो नाइदर द ब्लॉक मूविंग अपवर्ड नॉर द ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड, सो आई कैन से R2 इज 3G. उषोश्री, इज इट ओके? यस सर. तो नाइदर द ब्लॉक मूविंग अपवर्ड नॉर द ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड, सो दे बैलेंस इच अदर. एंड द ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन. That means F1 force is sufficient to move it forward because no friction is there. I'm not talking about friction. So only this F force is responsible. 3 kg block moving forward. So 3 into 2, that is 6 Newton. Yes or no? Yes. So see, contact force, as it is a Newton's third law, exactly same value, equal and opposite, same value. अगर सेम वैल्यू नहीं होगा मतलब समथिंग इज रॉन्ग. यस. ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? यस. एवरीवन सैटिस्फाइड? यस. सो इफ इट इज ओके, नाउ आई कैन गिव यू वन मोर क्वेश्चन, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके, the second question is, mere paas three kg, two kg, one kg, theek hai, force hai, aur yahan pe maine force lagaya 12 न्यूटन. तो मुझे आई वॉन्ट टू नो द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द 3 के जी एंड 2 के जी, लेट इट बी F1, बिटवीन 2 के जी एंड 1 के जी, लेट इट बी F2. देखो ये जो F1 एंड F2 मैंने बता दिया, दे जस्ट आस्क यू व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 3 के जी एंड 2 के जी, यू हैव टू से दैट. व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 के जी एंड 1 के जी, यू हैव टू से दैट. मैं F1 F2 लिख दिया ताकि तुम लोगों को ईजी रहे. ठीक है, सो आई गिव यू सम टाइम, यू ट्राई दिस क्वेश्चन एंड So if I draw the free body diagram of 3 kg block, 3G is acting downward, normal reaction upward, 12 Newton is given, and let
F1 is the contact force between 2 kg and 3 kg. So 2 kg apply F1 force on the 3 kg block. So as that 3 kg block moving forward with an acceleration 2 meter per second square, in step one, we find out the acceleration total force by total mass, 12 Newton by 3 plus 2 plus 1. So the force is 2 meter, acceleration is 2 meter per second square forward. So 12 Newton minus F1, that is mass into acceleration 3 into 2. A, so F1 is 6 Newton. Now, if we want to draw free body diagram of 2 kg block, my F1 is acting in this direction. 2G acting downward, normal reaction upward, let it be R2. And here, the force is F2. We already find out F1 6 Newton, and this is moving forward with an acceleration 2 meter per second square. So 6 minus F2, that is 2 into 2. So F2 is 6 minus 4, that is 2 Newton, not 4 Newton. Is it clear? And again, R2 equals to 2G, clear? Yes, sir. तो मुझे F1 F2 निकल गया, मुझे यहाँ पे निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम निकालना चाहो कि if you want to find out the force and 1 kg also, if you want, you can sorry इसका आएगा पूर्ण sir 1 into 2 1g नीचे की तरफ, normal reaction ऊपर की तरफ, let it be 3, तो F2 equals to 1 into 2, that is 2 newton. देखो F2 same आया, F1 and F1 same ही आएगा, ठीक है? So contact force is 6 Newton and 2 Newton. Clear everyone? Okay? Yes, sir. Yes. Now I'm going to give you one more question. And this is the last question for this type of question. Then we move on to the next type of question. So you can try this question. ये है मेरा 5 kg सर करंट के लिए डिस्कनेक्ट होते हैं हां सर यदि करंट जाए तो डिस्कनेक्ट होते हैं करंट गले কোথায় ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে আমি জুম থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে আরে হয়ে যাবে আবার জয়েন করবি তাহলে ভিডিও দেখবি 5 kg 3 kg এন্ড 2 kg হ্যাঁ This is a rod which is uniformly distributed. मतलब हर जगह पे सेम मास है तो ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है एग्जैक्टली मिडिल और ये एक पॉइंट है तो एग्जैक्टली मिडिल मतलब समझ रहे हो यू कैन सपोज दिस इज 1 केजी दिस इज 1 केजी यस और नॉट सर मतलब ये रॉड का मास है 2 केजी हाँ 2 केजी इस रॉड का मास है ये दोनों से कनेक्टेड है मानो तुम कुछ पेस्ट उस्ट कर दिया है इसमें ठीक है अगर कोई पेस्टिंग वगैरह नहीं होगा तब तो ये अलग हो जाएगा ये नीचे गिर जाएगा ठीक है यस सर मानो ये इसके साथ कॉम्बाइंड है तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये ए है ये जो बीच का पॉइंट है बी है यहाँ का जो पॉइंट है सी है और तुम इस होल सिस्टम को सपोज 40 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहे हो सो व्हाट इज द कनेक्टिंग फोर्स एट ए What is the connecting force at B? What is the connecting force at C? तुम्हें A पे कितना force है, B पे कितना force है, C पे कितना force है? तुम चाहो तो इसको force at A, force at B, force at C मान सकते हो। ये तीनों का force कितना कितना होएगा? तुम्हें निकालना है। I give you some time. Everyone please try and tell me the answer. 20th Newton है क्या? अच्छा देखो सबसे पहले एनीवन टेल मी व्हाट इज द एक्सीलरेशन सर एक्सीलरेशन तो मेरा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला 5 प्लस 2 प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यस एवरीवन यस सर इफ आई ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 केजी ब्लॉक ध्यान से देखो ये है 3 केजी यहां पे मेरा 40 न्यूटन फोर्स लगेगा लगेगा yes, sir. और इधर में मेरा लगेगा फोर्स ऑफ ए और ये जाएगा सामने की तरफ कितना से
4 meter per second square. Clear? Yes, sir. This 3 kg is balanced by 2 kg, so don't need to write this one. ठीक है, बाद में जब जरूरत पड़ेगा फिर लिखेंगे, अभी हमको ये वाला वर्टिकल फोर्स का जरूरत नहीं है. ठीक है, यस. सो मेरा इक्वेशन क्या होगा सर? हम तो लिखते हैं 40 माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू 3 × 4. वेरी गुड. कोई अगर बोले कि सर मैंने ऐसे नहीं करके, मैंने ऐसे करके किया है, ये एक 5 kg ब्लॉक ले लिया और ये एक 2 kg ब्लॉक है, दोनों एक साथ, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे मेरे एफ ए लग रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट द होल सिस्टम मूविंग विथ 4 m/s², कैन आई से दैट? देखो समझे नहीं. अरे ये पॉइंट पे अगर ये फोर्स इधर लग रहा है इस ब्लॉक के लिए, तो इस पूरा के लिए इधर लगेगा, तभी ना ये पूरा इसको इधर पूरा लेके जा रहा है. यस सर. नो यस सर. अरे बाबा एक पॉइंट पे दोनों तरफ फोर्स लगेगा ना, ये वाला ब्लॉक के लिए इस डायरेक्शन में, ये वाला ब्लॉक ये पूरा के लिए इस डायरेक्शन में, है कि नहीं? यस सर. तो ये पूरा, अरे द होल सिस्टम इज मूविंग विथ 4 m/s² ना? यस सर. तो ये जो यहाँ पे एफ ए, इसको टर्न रहा है, कौन टर्न रहा है? द होल दिस वन. यस सर. या एट द सेम टाइम ये वाला इसको किधर टर्न रहा है? इधर टर्न रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ. यस सर. नो. यस सर. सो आई कैन से एफ ए इक्वल्स टू 28 newton. ये भी 28 newton आया ना? हाँ सर, मेरा तो 28 ही आया. समझ में आया एवरीवन? इज इट ओके? नो सर. हाँ तारिक पर बुझा. कौन जगह तारिक पर बुझा वो बोल? तो ये 5 + 2 है पार्ट. अरे बाबा ए तू ही तो. If you draw 3 kg block, so this is and this is, na? Yes. So why this 5 kg and 3 kg block moving? How it is moving? Someone pulling it, na? Yes. Ke pulling korche? Ekhan kar contact force? Haan. That is FA? Yes. So due to that FA, both are moving, na? Yes. Bujhte pari? अब देखो, अब मैं बी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करूंगा. ठीक है, ठीक है. लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि बी में भी क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो रॉड तो पूरा एक यूनिट है ना. हाँ सर, बी को भी क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो रॉड तो. अरे ये तो रॉड है, रॉड का हर एक जगह पे फोर्स लगेगा ना, नहीं तो मूव कैसे कर रहा है? हाँ हाँ सर, हम तो कहीं पे भी फोर्स निकाल सकते हैं ना. यस सर. सर लेकिन तब तो ऐसे ब्लॉक के लिए भी करना चाहिए था. सर तब तो ऐसे ब्लॉक के लिए भी करना चाहिए था. हाँ नहीं, मैंने पॉइंट फिक्स कर दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बोलो तो तुम्हें वहीं पे निकालना, एग्जामिनर जहाँ बोलेगा वहीं पे करना पड़ेगा ना. ठीक है, मैंने बी पे बोला है तो बी पे करो. ठीक है. Now see how you calculate the force of B. You can calculate in so many way. मैं सबका diagram draw कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे calculate करके बोलना. I can draw in that way also. ये मेरा 5 है. ये B और C का बीच का distance कितना है? Mass कितना है? 1 kg. I can write this way also. Can we write? Yes sir. Yes sir. I can write. ये ए है, फोर्स एट ए, वी नो द वैल्यू. इसका ए और बी का बीच का मास कितना है? 1 kg. सामने जा रहा है 4 m/s². द होल सिस्टम मूविंग फॉरवर्ड 4 m/s². तो मैं इससे निकाल सकता हूँ, इससे निकाल सकता हूँ, मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, है ना? हाँ सर. है ना?
और मजे का बात है तीनों में सेम आंसर आएगा. यू कैन यूज एनी अप्रोच फॉर योर एग्जाम, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग हर पॉइंट पे देखेंगे कि कैसे निकलता है, तब तुम सीखोगे. समझा मेरा बात? यस सर. आई एम पॉजिंग. लग रहा 36 मिनट ज्यादा ही हो गया. देखो अगर हम यहां से एफ बी निकालता तो मेरा होता 6 × 4 24 न्यूटन. यस और नो? यस. अगर मैं यहां से करता, मैंने एफ ए निकाल चुका है 28, तो 28 माइनस एफ बी दैट इज 1 × 4, तो एफ बी मेरा आता 28 माइनस 4 इक्वल्स टू 24 न्यूटन. अगर मैं इसके हिसाब से निकलता तो मैं निकलता 40 माइनस एफ बी 4 × 4, तो एफ बी इज 40 माइनस 16 इक्वल्स टू 24 न्यूटन. आया ना? Yes, sir. सर एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया वहां पे, 4 × 4 की जगह 4 × 1 कर दिया. वो तुम्हारा मिस्टेक हुआ है, बट समझ में आया ना? हाँ सर. नाउ इफ वी ड्रॉ 5 kg, माने इफ वी वांट टू फाइंड आउट सी, देखो सी के लिए हम लोग कितना तरीका से निकाल सकता था. सर ये 26 आया. हाँ सुनो ना, सुनो ना, यहाँ पे एफ सी लगेगा 4 m/s. कैसे होगा? एफ सी इज 5 × 4 दैट इज 20 न्यूटन होगा. यस. अगर हम सी को सर 2 kg/3 kg वाला ब्लॉक देके भी कर सकते हैं ना? देखो ना सब करके दिखा रहा है. अगर मैं इसको एफ बी मान लू जो कि 24 न्यूटन है, और यहाँ पे अगर मैं एफ सी निकालना चाहूँ, ये मेरा 1 kg है और ये 4 m/s से जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा होगा 24 माइनस एफ सी 1 × 4, एफ सी इज 20 न्यूटन आया. हाँ yes, मैं अगर चाहता तो यहाँ पे मैं एफ ए लिखता, यहाँ पे मैं एफ सी लिखता, और इसको मैं 2 kg लेता, और ये मैं 4 m/s² से जा रहा है. एफ ए इज 28, वी कैलकुलेटेड ऑलरेडी, तो 28 माइनस एफ सी 2 × 4, सो एफ सी इज 28 माइनस 8 दैट इज 20 न्यूटन. या तो मैं ऐसे करके भी कर सकता था. देखो मैंने ऑल पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं तुम लोगों को, हाँ, कि हर तरीका से तुम करोगे तो सेम आंसर आएगा, दैट इज 40 न्यूटन 4 m/s². सो मैं 40 माइनस एफ सी 5 × 4, एफ ऑफ सी 40 माइनस 20 दैट इज 20 न्यूटन. ये भी कर सकता था, है ना? Yes. और इन सब में मेरा आंसर सेम आया. तो एग्जाम में देखो तुम कोई भी एक से करो, लेकिन आई जस्ट शो यू कि कहीं से भी करो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि ये वाला क्या गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. सो आई एम इरेजिंग दैट पार्ट. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में मैं आ गया. इसमें क्या है, मेरे पास 2 ब्लॉक है, 5 kg, एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, एक और ब्लॉक है जो है मानो 3 kg, और ये दोनों ब्लॉक को मैं ऊपर की तरफ एक फोर्स से पुल कर रहा हूं 160 न्यूटन. हम लोग ग्रेविटी 10 m/s² ले सकता है, क्योंकि देखो वर्टिकली ले जा रहा है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जा रहा है. ये सर नो? यस सर. माय क्वेश्चन इज फाइंड द टेंशन बिटवीन द स्ट्रिंग. ओके एवरीवन, क्लियर व्हाट आई वांट? वी कैन सपोज दिस इज अ होल सिस्टम. We can suppose this is a whole system and the 5 + 3
gravity acting downward and acceleration is upward, yes or no? Yes sir. So mera, how much is the acceleration? Step one, acceleration system ka nikalna hai. So 160 newton is the upward force, 8g is the downward force, total mass 8 hai into acceleration. Yes or no? So 160 minus 80, that is 8a. So 8a is equals to 80. Sir, 160 minus 80 nahi hoga na, wo 8 into 10, 80. Oh, haan, sir. So a equals to 80 by 8, that is 10 meter per second square. Huh? Yes or no? Yes, sir. So that is upward. Okay. Yes. Yes, sir. Now see, we can draw free body diagram of 5 kg. So agar main 5 kg ka free body diagram draw karu, dekho 5 kg mein mera force upar ki taraf lag raha hai. 160 न्यूटन ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये सुन लो सर. तब तो ये एक ही जगह रह जाएगा, नीचे भी खींच रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सीलरेशन ऊपर भी 10 मीटर पर सेकंड. देखो ना 5g नीचे की तरफ लग रहा है. यस सर. एंड 3 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक में एक रस्सी है, तो टेंशन एक्टिंग डाउनवर्ड. यस सर. ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है. यस सर. तो एफ इज ग्रेटर देन दिस टू फोर्स. हां सर. सो 160 माइनस 8g माइनस टेंशन मास इनटू एक्सीलरेशन. अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन. ओके okay? हाँ सर. तो मेरा टेंशन कितना आया? 160 माइनस 80 माइनस 50. तो 30. कितना? 30 कहाँ से आया? 30 आया ना. तो 160 माइनस 80 तो 80 हो गया, 80 माइनस 50 तो 30 हो गया. अरे मैंने गलत लिखा, तो 8g क्यों लिखा है? 5G होगा. यहाँ पे कितना हो गया? 50 माइनस 60 होगा. 60 न्यूटन. ठीक है. हाँ सर. यही अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg ब्लॉक करता, दिस इज 3 kg ब्लॉक, इधर में जो है मेरा टेंशन लगेगा. ये सुन लो. देखो ना, ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है. अरे देखो, स्ट्रिंग में दोनों तरफ टेंशन लगेगा, इसके लिए ऊपर की तरफ, इसके लिए नीचे की तरफ. समझ में आया? सक्षम थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है बार बार. देखो 5 kg के लिए हम लोगों ने नीचे की तरफ लगाया, 3 kg के लिए ऊपर की तरफ लगेगा. वही स्ट्रिंग जैसे देखो, यहाँ पे एक रस्सी डाल दिया, इधर से टान रहा है, इधर से टान रहा है, इधर वाला के लिए इधर, इधर वाला के लिए इधर. समझ में आया? हाँ सर. सो टी इज एक्टिंग अपवर्ड, 3g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और ये ऊपर 8g होना चाहिए ना नीचे. हाँ सर, नीचे तो 8g होना चाहिए, क्योंकि 5g और 3g का प्लस आएगा ना. 8g, अरे 8g तो टोटल लग रहा है. ये तो फ्री बॉडी डायग्राम. अरे मेरा भी बात सुन लो. हाँ. 8g तो टोटल में लग रहा है. जब हम इंडिविजुअल ब्लॉक कर रहे हैं तो हम लोग इंडिविजुअली देखेगा. 5 kg ब्लॉक का 5g नीचे, टेंशन नीचे. 3 kg ब्लॉक का 3g नीचे, टेंशन ऊपर. ओके सर. और ये ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. तो ये दोनों में कौन सा बड़ा है? सर वो टेंशन ज्यादा, तभी तो ऊपर जा रहा है ना. हाँ, तो टी माइनस 3g
थ्री इंटू टेन, तो टी आया 60 न्यूटन। देखो दोनों का टेंशन सेम आया, तो तुम दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन से कर सकते हो, लेकिन इसको करने से पहले समझ में आएगा तभी ना तुम करोगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं दोनों को दिखा रहा हूं, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट इज द फोर्स इन इक्विलिब्रियम। फोर्स इन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो फोर्स इन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट पे जितना फोर्स लगेगा नेट फोर्स इज जीरो। सपोज ये F1 है, इधर F2 है, इधर F3 लग रहा है, तो ये तीनों फोर्स का वेक्टर सम जीरो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं इसका एक्स एक्सिस लू और इसका वाई एक्सिस लू, तो एक्स एक्सिस में टोटल फोर्स जीरो है, वाई एक्सिस में टोटल फोर्स जीरो है। मानो मैंने इस एंगल को थीटा वन मान लिया, इस एंगल को थीटा थ्री मान लिया, इस एंगल को थीटा टू मान लिया, जस्ट रैंडमली, ठीक है? तो देखो ये जो एफ वन है इसका दो कंपोनेंट होगा, अलोंग द बेस एफ वन कॉस थीटा वन, परपेंडिकुलर विद द बेस एफ वन साइन थीटा वन, है या नो? ये सुन लो, फिर ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे तीन फोर्स लगाया है, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है सर। हर एक का हम एंगल दे दिया है विद द एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये एंगल थीटा वन है, ये एंगल थीटा थ्री है, ये एंगल थीटा टू है, क्योंकि इसको एफ वन एफ टू एफ थ्री माना है इसीलिए, ठीक है सर। अलोंग द बेस कॉस होता है, हाँ सर। परपेंडिकुलर विद द बेस साइन होता है, साइन थीटा, यस सर। एफ वन कॉस थीटा वन, एफ वन साइन थीटा वन, यस सर। ये एफ टू के लिए ये क्या हो जाएगा, एफ टू साइन थीटा कॉस थीटा टू अलोंग द बेस है, अच्छा हाँ सर। और इधर हो गया एफ टू साइन थीटा, और इसके लिए अलोंग द बेस हो गया एफ थ्री कॉस थीटा, एफ थ्री साइन थीटा हो गया ना। अब इक्विलिब्रियम बोल रहा है नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होगा, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो होगा, अगर नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस है वो भी जीरो होगा। तो यहाँ पे दो एक्सिस है, जेड नहीं है, तो जीरो का मतलब क्या, इधर का टोटल फोर्स, इधर का टोटल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो इधर दो फोर्स है, तो हम लिखेंगे एफ वन कॉस थीटा वन प्लस एफ टू साइन थीटा टू, इधर का फोर्स को बैलेंस करेगा, मतलब F3 sin theta 3। हाँ सर। और अपवर्ड का टोटल फोर्स डाउनवर्ड का टोटल फोर्स को बैलेंस करेगा। हाँ सर। अपवर्ड में कितना फोर्स है, दो फोर्स F3 है, cos theta 3, F1 cos theta 3 प्लस F1 sin theta 1, डाउनवर्ड में है cos theta 2। तो ऐसे करके इक्वेशन सॉल्व करोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है? यस। इसको हटा रहा है, हाँ सर। एक क्वेश्चन, एक ऐसा स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक मंकी है, मंकी ऐसे करके इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है? मास ऑफ द मंकी, माने वेट ऑफ द मंकी इज 100 न्यूटन। ये जो फोर्स है ये है 60 डिग्री, ये जो है ये है 30 डिग्री। यहां पे टेंशन कितना होगा T1, यहां पे टेंशन कितना होगा T2, ठीक है?
सर अलोंग द बेस कॉस है ना, हाँ सर अलोंग द बेस कॉस होता है ना, हाँ I feel that sir, class 8 was better because the presentation was better, sir. Hey, Tatri Korbili. खाली बोलता है नहीं हो रहा है सर, वो F1 F2 का क्या करे समझ में ही नहीं आ रहा। देखो ना ये है तो यहाँ पे मंकी का वेट डाउनवर्ड होगा, होगा कि नहीं, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये सुनो। यस सर। सो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये है वेट W, ये है T2, ठीक है, T2 cos 60 डिग्री, T2 साइन 60 डिग्री। तो ये क्या बना है समझ नहीं आ रहा आपको। अरे बाबा यहाँ पे ये पॉइंट को देखो, इधर इधर है T2, ये एंगल 60 डिग्री होगा। हाँ सर। यहाँ पे T1 है, ये एंगल 30 डिग्री होगा। हाँ सर। होगा कि नहीं बोलो। हाँ सर होगा। और इधर में वेट है W। हाँ सर। क्या मैं इसको W T2 और T1 नहीं लिख सकता हूँ? ये सर लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो समझ आएगा। उसके बाद जो अब दो लाइन साइन कॉस थीटा सुनो तो। हाँ ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री है। हाँ सर। ये एंगल भी 30 डिग्री है। हाँ सर। तो T2 cos 60 and this is T2 sin 60, right? Yes. ठीक है सर। यहाँ पे T1 cos 30 T1 sin 30 degree, ये सब ना सर। sin 30 और 60 लिख, सॉरी साइन 30, ओके। हाँ सर। सो नाउ द टोटल अपवर्ड फोर्स सर T1 sin 60 प्लस T2 sin 30, ना T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 हो गया। सर हम यहीं पे कंफ्यूज हो रहे थे कि ये T1 T2 ये सब का करेंगे क्या, समझ में आया? हाँ सर। एंड देखो दिस वन बैलेंसिंग दिस वन। यस सर। उस तो ऊपर साइमल्टेनियसली हो जाएगा। हाँ सर। T2 cos 60 is half, T1 cos, सॉरी ये है cos
cos 30 है एक ना, cos 30 तो t2 cos 60 t1 cos 30 हाँ ठीक है तो ओके यस हाँ सर सर इसको वन पे रिप्लेस कर देंगे वी कैन पुट दिस रूट थ्री टी वन सॉरी टी वन साइन थर्टी इज रूट थ्री बाई टू एंड साइन थर्टी कितना होता है सर वन बाई टू टी वन हाफ टी टू साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी डिग्री इज हाउ मच रूट थ्री बाई टू राइट इक्वल्स टू हंड्रेड सो T1 half plus root 3T1 into okay so T1 yes. equals to 50 T2 is 50 root 3 okay yes sir rehne do itna hi tha baat sir aur exam mein to matlab aise 60 30 ye sab chhod ke aur kuch value to dega nahi ha 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 theek hai sir I'm stopping